हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास नाइन्थ साइंस चैप्टर सिक्स टिश्यूज विच आर इंक्लूडेड इन द बायोलॉजी। हमने जो लास्ट वीडियोस थे उसमें हमने टिश्यूज़ में डिफरेंट प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। प्लांट टिश्यूज़ में हमने दो तरह के टिश्यूज़ मेनली देखे थे, एक थे मेरिस्टमेटिक टिश्यू और दूसरे थे परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो टेम्प्रेरी टिश्यू होते हैं विच आर लिविंग फ्रॉम विच आर मेड बाय द लिविंग सेल, और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर आपने हमारे वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यूज़। जिस तरह से प्लांट में टिश्यूज़ होते हैं उसी तरह एनिमल में भी टिश्यूज़ होते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू प्लांट एनिमल में टिश्यूज़ की जो क्वांटिटी होती है या टाइप ऑफ वेराइटीज़ होती है वो काफ़ी सारी होती है। और मेन डिफरेंस ये है कि प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो मेनली हमने शुरुआत में ही देखा था चैप्टर के, मेनली डेड सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जबकि जो एनिमल टिश्यूज़ हैं वो लिविंग सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो देखिए, जनरली हम जब भी ब्रीथ कर रहे हैं तो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ हमारा चेस्ट जो है वो मूव करता है। इसी तरह हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट यदि मूव करता है तो वो किसके कारण मूव कर पाता है, मसल सेल्स के कारण। यदि एक पेन भी पिक करना है या हमें कुछ स्टेप्स चलना ही है, कुछ भी करना हो, है ना, हमारी बॉडी के कोई भी मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो मसल सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये मसल सेल्स में क्या होता है, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण इसमें क्या होता है, प्रोटीन चेंजेस होता है इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, और इसके कारण क्या होता है, डिफरेंट तरह के मूवमेंट की प्रोसेस हो पाती है। तो ये जो होता है वो बेसिकली किसके कारण हो पाता है, मसल सेल्स के कारण, है ना। अब यहाँ पे जैसे अलग अलग तरह का मूवमेंट बताया गया, स्मूथ मसल्स फाइबर्स हैं, फिर ये जो है इनका मतलब बताया एकदम कि एक सेल से कैसे, तो स्टमक में ये वाला पार्ट है, फिर ये पार्ट जो है इससे ये स्मूथ मसल्स फाइबर दिख रहे हैं, और फिर एक आपको इंडिविजुअल सेल को बताया गया है, मतलब ऑर्गन से ग्रुप ऑफ सेल, और इस तरह से आपको पूरा प्रोसेस बताई गई है कि एक मसल्स जो है वो इस तरह से होती है। ये मसल्स फाइबर, एक मसल्स फाइबर की पोजिशन बताई गई है कि एक सिंगल मसल्स फाइबर जो है वो किस तरह से होती है, तो वो इस तरह से होती है। उसके बाद यदि हम देखें तो जब ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, ब्रीथिंग की प्रोसेस में क्या होता है, वी इनहेल ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है, है ना। ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। लंग्स में जाने के बाद ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है ना। लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, आपको पता है लंग्स के स्ट्रक्चर में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, मतलब ब्रांचेस होती जाती हैं और एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। एल्वियोलाई जो होते हैं इस तरफ से समझ लो बंचेस ऑफ ग्रेप्स जो होती हैं, है ना, इस तरह से गुच्छे के फॉर्म में जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, और ये इनमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन करती हैं, मतलब कि यह गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन को ये ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब अब ब्लड में क्या हुआ, ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गई, है ना, ये जो है ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गई। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो इस ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब ये ऑक्सीजन क्या है, हमारी बॉडी के हर फंक्शन के लिए जो ऑक्सीजन है वो जरूरी है, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है, बट इसी के साथ साथ हमारी बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं कैरी की जाती है, इसी के साथ साथ डिफरेंट तरह के सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स हैं, है ना, फिर उसके बाद फूड है, मतलब जितने भी चीज़ें वेस्ट मटेरियल है, जितनी भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, है ना, वो सब किसके थ्रू होती हैं, बॉडी में ब्लड के थ्रू ही होती है, है ना। मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो ये जाती हैं वो ब्लड के थ्रू ही जाती हैं। अब यहाँ पर ब्लड एंड मसल्स दोनों ही किसके एग्जांपल हैं, टिश्यूज़ के एग्जांपल हैं। ब्लड इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ टिश्यू एंड मसल्स भी जो है वो टिश्यू का एग्जाम्पल है। ये जो है ये डिफरेंट तरह के सेल्स से मिलके बने हैं जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये दोनों ही तरह के जो हैं ये टिश्यूज़ हैं। अब जिस तरह से ब्लड एंड मसल्स हैं उसी तरह के हमारी बॉडी में और भी कई टाइप के टिश्यूज़ हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो इस पोर्शन में हम बेसिकली एनिमल टिश्यूज़ में फोर टिश्यूज़ को इंक्लूड करेंगे।
First is the epithelial tissue, second is the connective tissue, third is the muscular tissue and fourth is the nervous tissue. ये चार तरह के tissues जो हैं इस पूरे animal tissues वाले part में covered होंगे. Epithelial tissue हम देखेंगे different जो organs हैं उसकी lining में help करता है ना, lining of the organs जो होती हैं वो epithelial tissue से हम detail में देखेंगे. Connective tissue blood है, bone है, ligaments है, different type के connective tissue हैं. हम देखेंगे epithelial tissues के क्या function है, connective tissues के क्या function है ना. उसके बाद मस्कुलर टिश्यूज़ के क्या फंक्शन है. मस्कुलर टिश्यूज़ में भी हम देखेंगे दो तरह के होते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं है ना, फिर उसके बाद जो है कार्डियक मसल्स होती हैं. तो ये अलग अलग तरह के मसल्स टिश्यूज़ के एग्जांपल होंगे. हम वो देखेंगे कि अलग अलग तरह के मसल्स टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है ना, तो क्या उनमें मेनली डिफरेंस है और क्या क्या इनके फंक्शंस हैं और कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद हम नर्वस टिश्यू देखेंगे. नर्वस टिश्यू जो है नर्व सेल से मिलके बना हुआ होता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन है ना. हमारी बॉडी में जो इम्पल्स कंडक्शन होता है, मतलब जितनी भी स्टिमुलस जो होते हैं बॉडी में, जितने भी सेंसेशंस हैं वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है, नर्वस टिश्यूज़ के फॉर्म में होता है, नर्वस टिश्यू के थ्रू ट्रांसफ़र होता है. तो ये सारा जो है हम सारे टिश्यूज़ के बारे में हम देखेंगे और ये हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें कवर करेंगे. आप ये इतना ध्यान से देखिए, समझिए. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.